आईपीएल में अपना सफर पूरा हो जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग की टीम संयुक्त अरब अमीरात से सोमवार को स्वदेश लौट आई। दरअसल चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने गृह नगर रांची लौट गए। चेन्नई की टीम पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, जहां से धोनी ने रांची के लिए फ्लाइट लिया। आईपीएल 2020 धोनी और उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग के लिए अच्छा नहीं रहा। चेन्नई की टीम आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचने में असफल रही। दरअसल चेन्नई सुपर किंग की टीम ने आईपीएल 2020 में 6 मैच जीते और 8 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। टीम आईपीएल अंक तालिका में 7वें स्थान पर रही। विश्व कप सेमीफाइनल 2019 के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेल रहे धोनी 14 मैचों में 116 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 200 रन ही बना सके, जबकि इस दौरान उन्होंने कोई अर्धशतक भी नहीं जड़ा। धोनी ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास नहीं लेंगे और अगले साल भी इस लीग में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलेंगे। आईपीएल के सबसे सफल कप्तान ने कहा, हाँ जर्सी देने की वजह से संन्यास के कयास लगाए जा रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं आईपीएल में खेलना जारी रखूंगा, क्योंकि अगले साल लॉकडाउन नहीं होने की संभावना है, इसलिए आईपीएल अपने तय समय पर होगा और वो अब से कुछ महीने दूर है। दरअसल धोनी ने हालांकि टीम में बड़े बदलाव करने के संकेत दिए हैं। कप्तान ने कहा, ये सीजन हमारे लिए बेहद बुरा रहा, लेकिन हमें विश्वास है कि अगले सीजन में हम जोरदार तरीके से वापसी करने में कामयाब होंगे। आपको टीम में अगले साल काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। खैर, कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी ने ये चीज साफ कर दी है कि अगले सीजन के आईपीएल में शायद महेंद्र सिंह धोनी अब युवाओं की फौज सीएसके में खड़ी करने वाले हैं। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। एलडी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।